Good morning, dear kids. So, this is the chapter, lesson number 5. Come, let's play games. As you know that we have already started the chapter in Zoom class, but some mistake was there by your part. So, we have discontinued with that session. So, I am again starting with this chapter. Come, let's play games. So this chapter is basically dependent on different kind of games that are going to be played in our India as traditional and modern. कुछ गेम्स ऐसे हैं जो पुराने ज़माने में हमारे मम्मी पापा हमारे दादा दादी खेलते थे और कुछ गेम ऐसे हैं जो अभी भी हम लोग भी खेलते हैं. So like मारदड़ी सितोलिया गिल्ली डंडा हाइड एंड सीक कैच कैच दिस ऑल आर डिफरेंट काइंड ऑफ गेम्स. मैंने आपको समझाया भी था कि मारदड़ी किसे बोलते हैं सितोलिया किसे बोलते हैं जिसमें 7 पत्थर यूज़ करते हैं और एक बॉल से उस पत्थर को मारा जाता है. देन गिल्ली डंडा हाइड एंड सिक मीन्स छुपा छुपी. देन चार भार चौपाट लायन गॉट अष्टा चंगा ऐसे बहुत सारे गेम्स जो हैं जो हमारे इंडिया के अंदर पहले भी खेले जाते थे और कुछ गेम ऐसे भी है जो अभी भी खेले जाते हैं. For this game, some kind of games that need different kind of specific instrument and some kind of games didn't need specific instrument. कुछ गेम्स ऐसे हैं जो हम हमारे घर में हमारे आंगन में खेल सकते हैं और कुछ गेम ऐसे हैं जिसके लिए खुली जगह की ज़रूरत पड़ती है ग्राउंड का ज़रूरत पड़ता है. तो उसके अकॉर्डिंग हम लोग अगर गेम्स को डिवाइड करने जाते हैं तो दो तरीके के गेम्स हो जाते हैं. एक होता है आउटडोर गेम एक होता है इनडोर गेम. यहाँ पर इंडिया के अंदर एक और भी चीज़ है कि डिफरेंट फेस्टिवल के अकॉर्डिंग डिफरेंट गेम्स खेले जाते हैं. जैसे कि एज दिस लाइन रिटन इन योर टेक्स्ट बुक दैट गेम्स आर ऑल्सो ऑर्गेनाइज्ड ऑन पर्टिकुलर फेस्टिवल एज इन मेवाड़ सितोलिया इज प्लेड ऑन मकर संक्रांति. मकर संक्रांति पर मेवाड़ के अंदर सितोलिया गेम खेली जाती है एंड काइट्स आर फ्लोन इन वागड़ मारवाड़ एंड धुंधाड़. ये जो सारी जगहों का नाम है ये प्रॉपर राजस्थान की ही जगह है जिनको वागड़ मारवाड़ और धुंधाड़ के नाम से जाना जाता है. उन जगहों पर काइट फ्लाइंग का फेस्टिवल मकर संक्रांति के त्यौहार पर ऑर्गेनाइज किया जाता है. सो हियर सो मैनी फोटोज़ वर गिवन इन योर टेक्स्ट बुक लाइक टेबल टेनिस हॉकी चेस रेसलिंग आर्चरी क्रिकेट बिलियार्ड्स स्कीइंग एट्सेट्रा. तो ये सारी जो गेम्स है उसमें कुछ गेम्स ऐसी है जो ट्रेडिशनल है कुछ गेम्स ऐसी है जो मॉडर्न है. कुछ गेम्स ऐसी है जो पहले भी खेली जाती थी बट उसका कुछ न्यू वर्जन थोड़ी सी चेंजिंग के साथ ये गेम्स इंट्रोड्यूस किया गया है जिसको मॉडर्न गेम के नाम से भी जाना जाता है. व्हेन मोर देन वन प्लेयर प्ले टुगेदर अ फीलिंग ऑफ कॉपरेशन डेवलप एमंग देम विच इज नोन एज स्पोर्ट्समैन स्पिरिट. जब दो से ज़्यादा प्लेयर एक साथ खेलते हैं तब उनके अंदर एक स्पोर्ट्समैन स्पिरिट डेवलप होती है. स्पोर्ट्समैन स्पिरिट का मतलब है खेलने की जो भावना होती है जिसके अंदर ना तो हम किसी को हराना चाहते हैं ना जीत की जीत के बाद ना किसी को हम लोग टीस करते हैं. तो इस तरीके की एक जो स्पिरिट हमारे अंदर होती है जिसको स्पोर्ट्समैन स्पिरिट बोला जाता है जिसकी वजह से हम लोग आपस में मिलकर गेम खेलते हैं और इसमें जीत हार जो है वो मायने नहीं रखती बट एक साथ मिलकर खेलना दैट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग एंड दैट्स व्हाई इट इज़ कॉल्ड स्पोर्ट्समैन स्पिरिट. Games which are played in the group are called outdoor, in ground are called outdoor game and the game which are played in closed room are called indoor game. जैसे कि मैंने अभी आप लोगों को बताया कि दो तरीके की गेम है अगर उसको हम लोग किस तरीके से खेलते हैं या कैसी जगह पर खेलते हैं उस पर डिपेंडेंट करता है. लाइक क्रिकेट एंड स्कीइंग एंड बैडमिंटन दिस ऑल आर आउटडोर गेम. इन द अदर हैंड लाइक लूडो स्नैक एंड लैडर चौपाट like these games are indoor games. Since Doordarshan had started to telecast kabaddi matches these days, this game is becoming popular. अभी अगर आपको पता है तो प्रो कबड्डी नाम से एक गेम जो था जिसका टेलीकास्ट टीवी पे होता था उसके बाद ये गेम ज़्यादा पॉपुलर हो गया है बट ये ऑलरेडी बहुत टाइम पहले भी हमारे इंडिया में खेला जाता था जिसको हुतुतू के नाम से जाना जाता था. तो ये गेम पहले भी खेला जाता था अभी भी खेला जाता है बट कुछ गेम ऐसे हैं जो सिर्फ पर्टिकुलर एरिया में उसी जगहों में खेले जाते थे जिसकी वजह से वो इतना पॉपुलर नहीं हो पाए और धीरे धीरे जब वो टीवी पर टेलीकास्ट होने लगे तब या उसके गेम ज़्यादा पॉपुलर होने लग गया. सो चिल्ड्रन आर सीन प्लेइंग कबड्डी इन स्ट्रीट ग्राउंड. अगर आप अपने मम्मी पापा को या दादा दादी से पूछोगे कि आप जब छोटे थे तब कौन से गेम्स खेलते थे तो वो आपको बताएंगे. तो कुछ गेम्स ऐसे भी हैं जो अभी भी आप लोग खेलते हो. एट सम प्लेसेस दे आर सीन प्लेइंग क्रिकेट ऑल्सो. कुछ बच्चे
अपनी सोसाइटी के अंदर क्रिकेट भी खेलते हैं। क्रिकेट इज प्लेड ऑन अ लार्ज ग्राउंड बट चिल्ड्रन आर सीन प्लेइंग इट इन स्मॉल प्लॉट ऑल्सो। वैसे देखा जाए तो जैसे हम लोग क्रिकेट के मैचेस देखते हैं बहुत बड़े ग्राउंड की ज़रूरत पड़ती है, बट हम लोग छोटी सी जगह में भी क्रिकेट आराम से खेल सकते हैं जस्ट फॉर आर फन। नाउअडेज़ पीपल हैव बिकम क्वाइट अवेयर ऑफ देयर हेल्थ, हेंस योगा इज ऑल्सो बिकमिंग मोर एंड मोर पॉपुलर। जैसे कि योगा, ये हमारे लिए ऐसा लगता है आप लोगों के लिए कि एक न्यू वर्ड है, दिस इज़ नॉट अ न्यू वर्ड, दिस इज़ अ ट्रेडिशन ऑफ इंडिया। जो पुराने ज़माने में हमारे ऋषि मुनि जो साधना करते थे, जो योग साधना के नाम से जाना जाता था, तो ये हमारा इंडिया का पुराना ट्रेडिशन है, संस्कृति है हमारे इंडिया की। बट धीरे धीरे जैसे ही हम लोग वेस्टर्न कल्चर को फॉलो करने लगे, हमारे पास कुछ न्यू वर्ड आने लगे और वो न्यू वर्ड्स हम लोग इंट्रोड्यूस करने लगे, लाइक दैट्स अ काइंड ऑफ अ योगा, बट इट इज़ ऑलरेडी इंडियन ट्रेडिशन जिसको हम लोग योग साधना के नाम से जानते हैं। अभी इसका एक न्यू वर्ड निकला है, मेडिटेशन। तो ये सारे न्यू वर्ड्स है, बाकी वर्जन जो है वो वही है, बस उसको न्यू तरीके से, नए तरीके से आप लोगों के बीच में लाया गया है जिसको हम लोग योगा के नाम से जानते हैं। यहाँ पे आप लोगों को देखो सूर्य नमस्कार के बहुत सारे पोजेस बताए हैं, तो अगर आपके दादा दादी आपके साथ है तो आप कभी भी उनको पूछना कि आपने कभी सूर्य नमस्कार का नाम सुना है या योग का नाम सुना है, तो वो आपको अच्छे से इस चीज़ के बारे में इंट्रोड्यूस करेंगे कि ये चीज़ें बहुत पहले होती थी। इवन व्हेन आई वाज लिटिल किड दैट टाइम आल्सो आई हैव डन सूर्य नमस्कार 10 to 15 टाइम ईच डे, तो उस टाइम भी हम लोग करते थे क्योंकि हमें ये चीज़ें सिखाई जाती थी, क्योंकि हमारे इंडिया की संस्कृति है। तो हमारी हेल्थ को प्रॉपर रखने के लिए और हमारे माइंड को शार्प रखने के लिए योग और सूर्य नमस्कार दोनों ही बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सी दिस पिक्चर, प्रैक्टिस सम आसन अकॉर्डिंग टू द इंस्ट्रक्शन गिवन बाय टीचर्स। यहाँ पे कुछ आसन के नाम दिए हुए, जैसे आपको दिया हुआ है ताड़ासन, पद्मासन, पवन मुक्तासन, सूर्य नमस्कार। तो सूर्य नमस्कार क्या है? सूर्य नमस्कार इज अ काइंड ऑफ अ कंबाइनिंग ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ आसन। बहुत सारे तरीके के आसन हैं जिनको एक साथ कंबाइन करके 12 स्टेप में उसको नाम कंबाइनली दिया गया है सूर्य नमस्कार। तो इसके अंदर हमारे बॉडी के अलग अलग पोस्चर होते हैं जिसके अकॉर्डिंग हमारी बॉडी जो है वो स्ट्रेचिंग होती है और उसकी वजह से हमारी बॉडी फ्लेक्सिबल होती है, हम बीमारियों से बच सकते हैं, हमारी इम्यूनिटी पावर जो है वो पावरफुल होती है, एंड एज वेल एज हमारा माइंड जो है वो भी शार्प होता है, हम स्टडी भी अच्छे से कर सकते हैं। सो इट मीन्स कि योगा के बहुत सारे हेल्प है, बहुत सारे उसके एडवांटेजेस है, बस ये है that we should continue with this kind of exercise like yoga or meditation or surya namaskar or whatever you can feel easily you can do it at home also. So इस तरीके की exercise हमें शुरू करनी चाहिए जिससे आप जो है वो study पे भी concentrate कर सके as well as हमारी health जो है वो भी proper रहे। ऋषि पतंजलि, पतंजलि ऋषि का नाम आपने नहीं सुना होगा बट अभी आप ये नाम बहुत ज़्यादा सुन रहे हो, क्यों? क्योंकि बाबा रामदेव ने अपनी एक नई जो है कंपनी लॉन्च की है जिसको हमने नाम दिया है पतंजलि। तो ये जो पतंजलि जो है वो ऋषि पतंजलि जो थे हमारे इंडिया के बहुत पुराने ऋषि थे जिन्होंने अष्टांग योग नाम से एक योग सिखाया था जिसके अंदर 8 स्टेप होते थे, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। ये 8 स्टेप मिलकर अष्टांग योग के नाम से जाना जाता था जिसको इंट्रोड्यूस किया था ऋषि पतंजलि ने। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि, ये 8 स्टेप मिलकर अष्टांग योग बनता है जिसको ऋषि पतंजलि ने हमारे सामने लाया था। और ये जो 8 स्टेप है ये एक तरीके की हमारी बॉडी के अंदर एक शक्ति होती है जो एक अलग अलग चक्र होते हैं जिसको बोला जाता है, जो इन सब साधना से हमारी बॉडी के अंदर एक अलग सी एनर्जी डेवलप होती है और जिस एनर्जी की वजह से हम हर चीज़ पर कंसंट्रेट कर सकते हैं। मेडिटेशन इज़ वेरी नेसेसरी फॉर ऑल राउंड डेवलपमेंट ऑफ स्टूडेंट। सो एज यू आर अ स्टूडेंट और आपकी पढ़ाई इम्पोर्टेंट है, सो दैट्स वाई यू शुड डू दिस काइंड ऑफ मेडिटेशन, दिस काइंड ऑफ योगा, दिस काइंड ऑफ सूर्य नमस्कार टू डेवलप योर ब्रेन, टू डेवलप योर स्टडी कैपेसिटी, एवरीथिंग। इट डेवलप्स एन आर्ट ऑफ लिविंग, ये जीने का तरीका सिखाती है। इट डेवलप अ पॉजिटिव आउटलुक टुवर्ड्स लाइफ, इसकी वजह से हम लाइफ को पॉजिटिव देखना शुरू करते हैं। योगा इज ऑल्सो हेल्पफुल फॉर फिजिकल, मेंटल, इंटेलेक्चुअल एंड स्पिरिचुअल डेवलपमेंट। अब यहाँ पे आपको 4 वर्ड दिए हैं कि योगा जो है सिर्फ फिजिकल ही नहीं, फिजिकल मीन्स बॉडी से फिट होना, मेंटल मीन्स दिमाग से फिट होना, इंटेलेक्चुअल एंड स्पिरिचुअल, स्पिरिचुअल मतलब भगवान के अंदर हमारा विश्वास जगाता है, और इंटेलेक्चुअल मीन्स आपस में एक दूसरे के साथ जो बॉन्डिंग है वो
स्ट्रॉन्ग करना। तो इस तरीके से ये जो मेडिटेशन है या ये जो योगा है, ये बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल है हमारी लाइफ को वेल डेवलप्ड करने। सो माय डियर किड्स, आज से आप लोग ये चीज़ आई होप कि शुरू करेंगे मॉर्निंग में 10 to 15 मिनट्स और हाफ एन आवर जस्ट गिव टू योर बॉडी टू कीप योर हेल्थ एंड कीप योर ब्रेन शार्प। ओके, तो इसकी वजह से हमें स्टडी में भी बहुत हेल्प मिलेगी और हमारा फिजिकल डेवलपमेंट भी होगा। सो आगे का जो चैप्टर है वो हम नेक्स्ट सेशन में पढ़ेंगे। इस सेशन के अकॉर्डिंग जस्ट ट्राई टू वॉच द वीडियो एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड द चैप्टर एंड व्हाटएवर क्वेश्चन आंसर आई एम गिविंग जस्ट नोट डाउन इन योर नोटबुक।